नमस्कार दोस्तों, बीएसए ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो जूनियर असिस्टेंट सामान्य विज्ञान स्पेशल है और ये पार्ट नंबर 2 है। दोस्तों जो स्टूडेंट्स जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास है। तो दोस्तों आइए और साइंस के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, शरीर की वे कोशिकाएँ जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों का शोध का केंद्र बिंदु है उन्हें कहते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर है स्टेम कोशिकाएं। ठीक है, स्टेम कोशिकाएं इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? आपको बताना है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कोशिका भित्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है कोशिका भित्ति। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है? आपको बताना है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रोटीन और लिपिड से। ठीक है, प्रोटीन से और लिपिड से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? आपको बताना है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है माइटोकांड्रिया। ठीक है, माइटोकांड्रिया ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? आपको बताना है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है माइटोकांड्रिया। ठीक है, इसका भी सही आंसर है माइटोकांड्रिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दंत बल्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है दंत बल्क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुण सूत्र जोड़ों की संख्या है? आपको बताना है तो जोड़ों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 23। ठीक है, 23 इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, ये तो सेम क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 23 जोड़ होगा इसका भी उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है? हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कान में। ठीक है, कान में, और उसका नाम होता है स्टेपीज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्नायु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है स्नायु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, इसके ऑप्शन है सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्र, माइटोकांड्रिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं बताइए। आपको बताना है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 12 इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में होती हैं। तो आपको बताना है वयस्क मानव में होती हैं। ऑप्शन देखिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है 206 अस्थियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है 206 अस्थियां। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है बताइए। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जल। ठीक है, इसका सही उत्तर है जल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है बताइए। तो इसके कथन है, ये प्राणी के जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं, ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं, ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा है, आपको बताना है मानव त्वचा है। तो इसका सही उत्तर है एक अंग। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा एक अंग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है जापान के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है जापान के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइबोजाइम्स होते हैं, आपको बताना है राइबोजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, आरएनए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है आरएनए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है केंद्रक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन बने होते हैं बताइए, जीन बने होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं, आपको बताना है राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है प्रोटीन निर्माण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है प्रोटीन निर्माण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है बताइए। निम्न में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तारक केंद्रक इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तारक केंद्रक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है
आपको बताना है निम्न में से कौन सा कोशिकांग आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, बताइए इसका सही उत्तर है प्लाज्मिड। ठीक है, इसका सही उत्तर है प्लाज्मिड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा प्लाज्मिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मिड इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है, बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जल इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जल इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भिन्न जातियों में एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा संबंधित है, बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है जर्म प्लाज्म बैंक। ठीक है, जर्म प्लाज्म बैंक इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम बनता है, आपको बताना है लाइसोसोम कहाँ बनता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है गाल्जिकाए। ठीक है, गाल्जिकाए इसका सही आंसर है, और लाइसोसोम को आत्मघात की थैली कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है, बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, तो इसका सही उत्तर है तंत्रिका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है तंत्रिका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ससीम केंद्र की कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवान्वित कोशिकाओं के पार्श्व बंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है माइटोकांड्रिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।